हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पे भेजे गए चैट, फोटोज़, वीडियोस, किसी भी फाइल को कैसे आप अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कोई भी फोटोज़ भेजे हैं या उससे चैट किए हैं और आपको उसे डिलीट करना है, तो कैसे आप अपने मोबाइल से उसे डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आप चैट करते हैं अपने फ्रेंड से, बाद में कुछ दिनों के बाद वो फोटोज़ या आपका चैट किसी को दिखा करके आपको ब्लैकमेल करने लगता है कि देख, तूने इसे ऐसे ऐसे मेरे से चैट किया था या तूने ये फोटो भेजा था, तो आप फंस जाते हो ऐसे केस में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख करके आप कोई भी चैट या कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो जो आप शेयर किए हैं, आप अपने मोबाइल से किए गए उसके साथ चैट डिलीट कर सकते हैं, फोटोज डिलीट कर सकते हैं, वीडियोस डिलीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियो तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जिस फ्रेंड का हमको चैट डिलीट करना है या जिसको हम फोटोज़ वीडियोज़ भेजे हैं वो डिलीट करना है, तो उसके डीपी को सेलेक्ट कर लेना है और आई बटन पे क्लिक कर लेना है। आई बटन पे क्लिक करते ही आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो लिखा है डिसअपीयरिंग मैसेजेस, तो वहाँ पे आपको टाइमर दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर। तो वहाँ पे क्लिक करके आप टाइमर सेट कर सकते हैं, 7 डेज, 90 डेज, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स अगर सेट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो भी आप वहाँ पे उसके मोबाइल पे चैट किए हैं, फोटोज़ भेजे हैं या वीडियोज़ भेजे हैं, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।